कुछ रोज पहले एक 28 साल के बच्चे की लड़के की मृत्यु हुई कोविड से। दाह संस्कार करने के लिए उन्होंने अपने ही घर के पीछे आंगन पीछे का हिस्सा है आंगन का, ये है पहले इनके मुख्य आंगन का हिस्सा था, ये यहीं पर ये जो मिट्टी का टीला है यही उसकी कब्र है, यही उसका अंतिम संस्कार हुआ। ये जिंदा का है, ये मृत्यु का है। इनको जब बीमारी पड़े तो इनको मैं ले गया पहले प्राइवेट में। का आपको इंतजार करना होगा, अभी अपने व्यवस्था से आप भी जाम करके ले जाइए, अभी कोई एम्बुलेंस नहीं है, मैं इस पर लिख दिया हूँ, ये अंतिम पुर्जा पर वही लिखा था। उसके बाद में जब कोई व्यवस्था नहीं हुई तो मैं अपने घर पुनः लेके चले आए। यही बेटी साथ दिलवाए, उसके बाद में आज यही दिया। तो मेरा बाहर से जो लड़का आया, पंडित जी बोले कि 3 दिन का मेहमान है बहन। नमस्ते ललन टॉप की टीम, बिहार में कोविड की ज़मीनी हकीकत देखने निकली है और हम हैं ज़िला सहरसा में। ये जिस ब्लॉक में हम खड़े हैं उसका नाम है सोनबरसा राज और इस गांव का नाम है गोदरामा। और हम कई सारे अस्पतालों में जा रहे थे, वहां के हालात आपको दिखा रहे थे और अब हम कोविड से ही जुड़ी एक और तस्वीर दिखाने के लिए आपको इस घर में लेकर आए हैं। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें, इन गरीब परिवारों का सहारा बने। यहाँ कुछ रोज पहले एक 28 साल के बच्चे की लड़के की मृत्यु हुई कोविड से। दाह संस्कार करने के लिए उनको जो माता पिता हैं उनको कोई सहायता नहीं मिली, न ग्रामीणों की न प्रशासन के स्तर पर। फिर उन्होंने अपने ही घर के पीछे आंगन पीछे का हिस्सा है आंगन का, अब उसे खैर ब्लॉक कर दिया गया है, वो आंगन ही था, वहाँ पर उन्होंने उस बच्चे का अंतिम संस्कार किया, उसे दफना दिया। तो हम यही प्रकरण आपको बताने के लिए विस्तार से इनके साथ हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कैलाश कामत। कैलाश कामत जी, आपका नाम, आप ये आपकी पत्नी है? पत्नी है। पौड़ी देवी। आपके बच्चे का नाम क्या था? अवनीश कामत। अच्छा, पिक्चर भी है जो हम खींच के रखे हैं, और जिंदा वाला भी और मृत्यु वाला भी, वर्तमान में वो पिक्चर भी ले सकते हैं आप, मैं दिखा सकता हूँ। हम धीरे धीरे हम अभी देखेंगे, तस्वीर भी देखेंगे। पौड़ी जी हिंदी समझती हैं? हिंदी आ भैया? हिंदी नहीं आ भैया, कोनो बात नहीं। कहिया मन खराब भेल बेटा के? बेटा का 4 साल ऑपरेशन कर लिए रहे। अभी के ऑपरेशन रहे? बेटा कोरोना से पीछे था टीवी ना, 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 अच्छा अपेंडिक्स के ऑपरेशन। देखा जाए सर, ये जिंदा का है, ये मृत्यु का है। इनको जब बीमारी पड़े तो इनको मैं ले गया पहले प्राइवेट में। कब बीमार पड़े? बीमार इधर फिलहाल में ये लड़का रहता था इलाहाबाद में, और यहाँ घर पर आया है। ये 7 तारीख को मैं इनको सरकारी हॉस्पिटल में दिखाए, जिसका पुर्जा मेरे पास में। 7 मई को? जी सर, अगला महीना में। कौन से सर? अगला महीना मतलब जो बीत गया 7 अप्रैल को। कल के ले जाओ घर, 14 दिना घरे में रखो, 7वां दिन फेन एता हॉस्पिटल लेकर आना। 7वां दिन गलिए तब मुँह से खून निकाल दल के हमारे बेटा ओथरे लाले। कल के ले जाओ सहरसा, कल बुलेंस दीजिए ना सर, कल के अपन गाड़ी से ले जाओ। अपना देखा जाए सर, ये पहलू का रिपोर्ट है सरकारी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग बिहार, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोनबरसा सहरसा, ये ब्लॉक वाला में लेके गए थे अस्पताल में। हाँ, सरकारी अस्पताल, जो सरकारी अस्पताल 3 दिन ले गए थे। जी एक मिनट, अभी ये रेफर के लग बाद में 2 दिन की बात ही। जी ये पहला इन्होंने बताया, ये पहला है और ये तारीख पड़ी हुई है। नहीं, ये अप्रैल की बात नहीं है, ये मई की ही बात है। 7/5/2021 को 25 साल के अमरीश कामत को, जो पुत्र हैं कैलाश कामत के और पौड़ी देवी के, उनको गोदरामा में रहते हैं, उनको ले जाया गया यहाँ पर सोनबरसा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC। वहाँ पर हाँ, ये क्या लिखा है, कोविड लेटेस्ट पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ प्लस का
निशान बना हुआ है और आगे वी ई लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव लिखा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव उसको बता दिया, फिर आपसे कहा क्या? वहाँ से 7 दिन यहाँ इसमें इलाज चला, इसी की दवाई से, इसी का दवाई आपको दे दिया, आप उनको घर लेके आ गए। 7 दिन इनकी इलाज चला, 7वां दिन के बाद हम फिर गए तो उन्होंने ये रेफर किया। अच्छा, 7वें दिन उनकी तबीयत में कोई सुधार था या और बिगड़ गई थी? दवाई खाने के बाद जो है से कि कुछ सुधार रहता था, कुछ बिगड़ जाता था, कुछ सुधार रहता था, खून आना गिरे रहती, कुछ बिगड़ जाता था सब। मतलब हम धीरे धीरे बात करते हैं, पूरा समझते हैं, बस एक मिनट, हम एक मिनट कैलाश जी, हम पूरा सीधे सीधे धीरे धीरे बात करते हैं कि आप अस्पताल लेकर गए, उन्होंने आपको दवाई दी, कहा उनको होम आइसोलेशन में घर पर ही रखिए, परहेज से रखिए। तो आप घर लेकर आए, आपने किस कमरे में रखा उनको? यहाँ इनको रखा, यहाँ आपने उनको लिटाते थे, यहीं पर उनका सब वो करते थे। आप लोग किसी किस्म का परहेज करते थे? मास्क पहनते थे सब चीज, हम लोग मास्क पहनते थे। मेरी पत्नी जो है उनको अलग से सब व्यवस्था देता था, खाना का, पानी का, सारा चीज। ठीक है, फिर धीरे धीरे दवाई खाते गए और उसके बाद कुछ सुधार आया या नहीं? वो दवाई सुधार बेडी पर होते ही चला गया, वो दवाई जब खत्म हुआ तो फिर मैं लास्टिंग में ले गए वहाँ। 7 दिन में दवाई खत्म हो गई, 7 दिन की दवाई मिली, फिर आप लेकर गए उनको। यहाँ पर तारीख डली है 13 मई 2021 की, और फिर आप यहाँ पर लेकर गए, ठीक है, 7 तारीख का है, ये 7 मई का है, जी ये 7 का है और ये 13 मई का है। जब आप लेकर गए दूसरे दिन 13 मई को, तब उनकी स्थिति कैसी थी? उनकी स्थिति बहुत गंभीर थी। वहाँ जब हम बेड पर रखे कि आप बुलाए थे 7वां दिन में जांच इसका किया जाए, तो मेरे लड़का को थोड़ा वहाँ ब्लड आया मुँह से, फूंकी की खांसी के द्वारा ब्लड आने के बाद में उन लोग घबरा करके तुरंत जैसे हमको रेफर किया सहरसा, और हम मांग रहे हैं कि हमको एम्बुलेंस दिया जाए, कोई सरकारी सुविधा दिया जाए। वहाँ का डॉक्टर बोले कि जे एम्बुलेंस का आपको इंतजार करना होगा, अभी अपने व्यवस्था से आप भी जाम करके ले जाइए, अभी कोई एम्बुलेंस नहीं है, मैं इस पर लिख दिया हूँ, ये अंतिम पुर्जा पर वही लिखा था। उसके बाद में जब कोई व्यवस्था नहीं हुई तो मैं अपने घर पुनः ले कर चले आए। आप क्या काम करते हैं कैलाश जी? हम तो बहुत पूर्व में सरकारी जॉब में थे, कटिहार में मरचाईबाड़ी में पोस्टिंग थे मास्टर पद पर सिंचाई विभाग में। क्या तनख्वाह थी? मेरी तनख्वाह वहाँ 25,000 रुपया थे। शुरू से जब बहाल हुए थे तो हमको कोई सरकारी बेनिफिट ना पेंशन वगैरह कुछ हमको नहीं मिला। कब तक नौकरी थी? नौकरी हमको करीब यही अगला कोरोना में हमको रिटायरमेंट का डेट पिछला साल आप रिटायर हो गए, कर दिए, मुझे सरकारी कोई बेनिफिट नहीं मिली। उसके बाद आपके परिवार में कमाई का साधन क्या था? कोई ऐसा नहीं, मेरा 2 लड़का है, 1 लड़का बच्चे है अभी, 1 लड़का बाहर भीतर करता, और मेरे पास में कोई कमाई नहीं है। नहीं नहीं, आपको पेंशन नहीं मिली, आपके परिवार में आप कह रहे हैं कमाई का जरिया कोई खास नहीं है। अमरीश कुछ काम करते थे? जी हाँ, काम करते थे, इलाहाबाद में रहते थे। तो क्या काम? बिस्कुट फैक्ट्री में। दिहाड़ी पे थे या महीने का वेतन था? इनका महीने का वहाँ वेतन था फैक्ट्री में। कितना था? प्राइवेट लिमिटेड में था, 9,000 रुपया बतलाया गया। अच्छा, तो आप जब उनको यहाँ से गांव से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल लेकर गए सरकारी, तो किस चीज पर लेकर गए थे? यहाँ से टेम्पू पर ले गए। टेम्पू पर, लेकिन सहरसा जाने का आपके पास साधन नहीं था? वो भी टेम्पू वाला को हम बहुत बात किए कि हमको सहरसा तक पहुँचा दीजिए। वहाँ हॉस्पिटल में भी डॉक्टर के सामने भी उनसे बहुत अनुरोध किया, वो कहा कि नहीं, मेरी गाड़ी वहाँ तक नहीं जा सकती। और ये बातें डॉक्टर के सामने हुई कि टेम्पो वाला इनकार कर रहा है? डॉक्टर के सामने ही हुई, डॉक्टर ये भी बोला कि जे आपको प्राइवेट में ले जाइए। डॉक्टर वहाँ यो बोलते रह गया कि जे आप प्राइवेट में ले जाइए, कि आप अपना एम्बुलेंस खुद कीजिए। हाँ, नहीं तो अपना एम्बुलेंस खुद कीजिए, और नहीं तो इंतजार कीजिए, अपना गाड़ी खुद कीजिए। डॉक्टर हमको वहाँ बोला, जो वहाँ काउंटर पर रहता है, जो ये लिखे अपने हैंडराइटिंग से ये पुर्जा, वो खुद मेरे टेम्पो वाला के सामने भी बोला। डॉक्टर सुदीन कुमार सुमन जी, इनके सामने बातचीत हुई, टेम्पो वाला मना करता, इनकार करता रहा। इन्होंने कहा क्योंकि एम्बुलेंस की सुविधा आपने ढूंढने की कोशिश की थी, नहीं मिला था ना, सरकारी एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं था, गाड़ी भाड़ा क्या करते। तो उन्होंने टेम्पो वाले से बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन टेम्पो वाला राज़ी नहीं हुआ इतनी दूर जाने के लिए। तो आप
ये डॉक्टर सुदिन कुमार सुमन के सामने की बात है कि आप वापस लेके आ गए। वापस लेके मैं आ गया। आपके बेटे के खांसी से उनके सामने उनके मुंह से खून निकला। उनके सामने मेरी बच्चा का बहुत स्थिति गंभीर हो चुका था और उसके बाद उन्होंने देखा कि सुविधा वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, सुविधा जुटा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए बहुत हाथ पैर मारने के बाद मजबूर होकर वो अपने बेटे को वापस लेकर गांव जा रहे हैं, जबकि उसकी स्थिति काफ़ी ख़राब है और उसके मुंह से ब्लड आ रहा था और ये सब देखते हुए, ये सब आंखों के सामने हो रहा था और फिर भी वो बच्चा वापस ले आया गया। उसके बाद हमको धन्यवाद क्यों कर रहे? उनका लड़का का मौसी है। अच्छा, ये भी साथ में थे, ये भी साथ में थे। कितने भोले लोग हैं, मैं बोल रही हूँ और वो कैमरे के पीछे से मैं देख रही थी, मैं बात कर रही थी ना कैमरे पे और वो पीछे हाथ जोड़ के खड़ी थी और वो मुझे धन्यवाद कर रही हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मैं उनकी बात, उनके घर का मुद्दा उठा रही हूँ। वो कह रही हैं आपने बहुत अच्छा बोला। हाँ, तो आप लेकर वापस चले आते हैं 13 मई को, फिर क्या होता है? 13 मई को जब लेके मैं वापस आ गए तो उन्होंने जैसे कि 18 तारीख लगभग डेट कर गए यहीं पर 15 को, डेट खाली हमको याद ना है, तारीख उन्हें याद नहीं है पर माँ को याद है 15 तारीख के मार लही के और शनिचर दिन था, शुक्र का बरस पेट के ला के लिए शुक्र बचला आ शनि के मर गए 6 बजे साँझ के। हमें तो कर इधर रहियो तो हमें न जान। कह रही हैं कि वो माँ हैं, वो ही सारी देखभाल करती थी तो वो जानती हैं कि 13 तारीख को जिस दिन वो लौटा के लो बगल से लोग देखे वो घड़ी ककरो कोई न रहे, ककरो कोई न दुआर पर न आबे, मरल हमार बेटा 6 बजे सब गेट लगा लगा घर अंदर कोई कहते दुए आदमी लाश तो जी जी हम उस पर भी आ रहे हैं। पहले हम मृत्यु की बात कर लें कि 13 तारीख को लौटा के लाया गया उसको, अमरीश को, और उसके बाद 2 दिन बाद वो शाम को 6 बजे शनिवार को 15 मई की शाम 6 बजे उसका देहांत हो गया। और ये बता रही हैं कि आज तो फिर भी जब ये खबर हो रही है तो लोग झांक रहे हैं लेकिन उस दिन कोई भी मदद के लिए नहीं था। तो आप लोगों ने आज सा मुखिया सा या ककरो सा मुखिया कवरेज किया, मुखिया मुखिया कवरेज किया, मतलब क्या कहते हैं कि जो डॉक्टर को भी वहां से भेजा, प्रशासन को भी भेजा, जबकि ये लाश जो है हम लोग अपने जो प्रूफ से माँ बाप जो मेरा मरा, एक स्कूल है सामने में रोड के सामने में, वहाँ मेरा भी ज़मीन था और बिहार सरकार का भी था, उसी जगह प्रूफ से जलाते आ गए तो यहाँ तो लाश उठाने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं थी। तो मेरा एक साला और एक हम वहाँ गड्ढा खूने वहीं रोड के किनारे में, लेकिन वहाँ हाल फिलहाल में कोई ज़मीन हुआ लिखवा लिया ये क्या किया उन्होंने रुकवा दिया। तो हमको आप तीन आदमी है ये थे, उसके बाद में जैसे कि अपने एक ना ही में दफनाए, उसके बाद में दफनाने के बाद में एक दिन के बाद जैसे कि मतलब हम लोग को सारे परिवार को चेक हुआ, जांच हुआ, ये मुखिया थ्रू भेजा गया, आया जांच किया सब, हमको कहा ठीक आप स्वतंत्र हैं। आप लोग नेगेटिव आ गए? जी नेगेटिव। रिपोर्ट कब आया? रिपोर्ट जब हम अपने लड़का को दफनाने के बाद 2 दिन के बाद मेरा रिपोर्ट आ गया। हमको पता नहीं चल सकता, कैसे जान पाएंगे कि हम इनका एंटीजन टेस्ट हुआ था या इनका आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ था? ऐसा है, ऐसा है, एक मिनट एंटीजन टेस्ट हुआ, इन्हीं से पूछ लीजिए ना, आपका नाक में डाल के किया गया था? नाक में डाल के, नाक में? नहीं, वो तो आरटीपीसीआर में भी वही होता है। स्वैब टेस्टिंग मतलब मुंह में नाक में डाला था कुछ ऐसे उससे किया था? हां हां, नाक में डाल के सारा, दोनों ही तो वही होते हैं, एंटीजन में भी तो नाक में डालते हैं और आरटीपीसीआर में भी नाक में डालते हैं। मुंह में भी देता है। तो आप क्या कह रहे हैं कि इनका एंटीजन टेस्ट तुरंत ही रिपोर्ट दे दिया? तुरंत ही रिपोर्ट दे दिया। अच्छा, तो उनका अब, अच्छा तो आप लोगों ने फिर मैं भी पत्रकार आया था जिसका कि मेरे पास में भी अवेलेबल नंबर है। नहीं नहीं, उनका छोड़ दीजिए, आप हमें थोड़ा चल के दिखा पाएंगे जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया? पहला तो यहाँ जो अभी वर्तमान में दफनाए वही ना देखेंगे। हाँ। चल।
एक बार तो आपने गड्ढा खोदा वहाँ पे, आपको नहीं स्कूल के पास, आपने उसके बाद वहाँ पे नहीं होने दिया, नहीं होने के लिए दिया, वहाँ से फिर पुनः जैसे हम वापस ले, फिर आप लोग वापस लेके आ गए। वापस लेकर के मैं ये अपने अथी आंगन में जैसे उनको गड्ढा खुनवा करके दफना है। कितने दो सारू था, एक मेरा दमाद इतने रहे छे, हमर ससुरार छे, दोनों बहिने छे, के दोनों बहिने के जगह छे, तें प्रणाम कलिया बढ़िया से बोललो न, तें धन्यवाद बेटी। यही सब हॉस्पिटल वाला ले तो कल के जल्दी ले जब चार आदमी हम लोग थे, तो हमका तो सुनने रही है जे अहाँ के जो छोटकी बेटी छै ओहो किछु अग्नि जे दे छै आग जे छै हल्का मुँह छुएने रहै, यही बेटी से आग दिलवाए, उसके बाद में आज यही दिया। तो मेरा बाहर से जो लड़का आया पंडित जी बोले कि 3 दिना का मेहमान है बहन, तो फिर हम 9 केस दिन अपने बेटा से आग दिलवाए, फिर वो करता बन ले छोटका बेटा, सबसे पैग औलाद रहे अहाँके, सबसे पैग बेटा रहे। ओ जे इलाहाबाद से कहिया आयल रहे? 26 तारीख के लिए, 26 महीना लग गए, 26 अप्रैल का आयल त। अच्छा, आ ओकर बाद कहिया से ओकरा मन खराब भेनाय शुरू भेलै? ओते से ही देखा कर दिया कि जब उसको हुआ ना सराय तक सराय कर सब, आप उनको भी बोलने दीजिए, सुनिए एक सेकंड रुक जाइए, माँ है ना, देखभाल कर रही थी, आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं, अपनी पत्नी पे गुस्सा हो रहा है, उनको भी बोलने दीजिए एक बार। हाँ, तो ओत से इलखिन है अमरीश आयल ओतः से, तो ओकरा खांसी रहे? खांसी रहे ओते से? ओत से उतना खांसी नहीं रहे, जबकि खोखी ब्लड गिर जाए तब खोखी हुआ ला। ओकर बाद जखन अहाँ सबके ओकर जखन बीमार भेलै तो ओकरे संगे उठैत बैसैत हेबै न? ओतः बाद में नहीं है, जखन ओतः से लऽ एलिए अस्पताल से तखन ओकर पहले तो संगे रहे थे न? तो घर में अहाँ सबके ककरो आर के खांसी बुखार किछो कुछ नहीं भेल? ककरो कुछो नहीं भेल बाबू, ककरो कुछ नहीं, बेचारा करलक देखियो न दै छै, सपनो के रूप हरै छै, रूप बेटा के नहीं मिले छै। वो कह रहे हैं कि सपने में भी नहीं आता है, वो सपने में भी वो अपना मुंह नहीं देखने देता है। कल कखनी नजर पर ना जब फोटो आर देख ले छे तो बेनमा भ जाए छे, नहीं देखे छे। तो मुखिया के जखन कत्ते देर तक लाश आहां के घर में राखल रहल? वो 6 बजे शाम में मरी, शाम में मर ले, 6 बजे शाम में, और उनको करीब माने बिहने होकर के दूसरे दिन 4-5 घंटा के बाद जैसे की लाश भर रात राखल रहा। दोनों बहन जग कर रखना रही, दोनों बहन पहरेदारी करित रही है, लगभग इस टाइम में हम लड़का को दफनाए थे दूसरा दिन सब बाहर। अच्छा, मतलब सांझ लिए तब आइले, सांझ में 6 बजे जो लेट किया भेला है, तो ओकर बाद अगला दिन 3 बजे 3-4 बजे ओकरा मतलब 2-3 बजे ई बेर गड़े रे बेटा, समाज कोई नहीं ले, तब फोन कर लिए नैरा भैले बहन जमा ले नया नगर से जमा, तब उगारलक एगो बहने बड़का छे। मुखिया सब ककरो ऊपर में अधिकारी सबके कहने रहे, अफसर सबके सूचना देने रहे? सब कहलके की यहाँ लाश उठेबे न तब जाय, सब थानो वाला जाय तो न हॉस्पिटलो से जाय, हॉस्पिटल में जो गारे लहास का कपड़ा फोन करे कोई ना नानी गेले वो कहलिए तो कोई ना, तब वह से दे गए के सब पठेल कर, तब वह हॉस्पिटल से लैके ले कपड़ा आरो किन के तब गारे ले डॉक्टर आयल रहे, फिर कपड़ा लो के आयल रहे, पीपी किट लो के वे पहिर के। अच्छा तब वह कल के जाओ जाओ अपने में जहाँ छो वहाँ करे, तब की कर चलो एक बार दिखा देब हमरा। चलो पीपीई किट के लिए जब मुखिया औरों की तरफ से प्रशासन को इत्तला की गई तो थाना और जो अस्पताल है उसके पास भी ये जानकारी पहुंची और उन्होंने पीपीई किट वगैरह यहां पर भिजवाया, इतना किया। हम जा रहे हैं उस हिस्से की तरफ,
अभी फिलहाल इन्होंने सामने की तरफ से वो पोर्शन घेर दिया है ताकि वो एक तरफ अलग रहे। और ये है पहले इनके मुख्य आंगन का हिस्सा था, ये यहीं पर ये जो मिट्टी का टीला है यही उसकी कब्र है, यही उसका अंतिम संस्कार हुआ। इस पूरे प्रकरण में सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ कौन सी है? हमारे हाथ में ये दो पर्चियां हैं, ये 7/5/2021 को, पता नहीं इसमें रिपोर्ट में ये नहीं दर्ज है कि उसमें लेवल कितना था, परसेंटेज कितना था कोविड का, कोविड पॉजिटिव लिखा है, वो सी टी वैल्यू कितनी थी हमें नहीं पता, पर उसकी स्थिति गंभीर थी ये घर वाले बता रहे हैं। उसके बावजूद उसको होम आइसोलेशन में रहने के लिए भेजा गया। 7वें दिन दवाई ख़त्म होने पर वो गए, उसकी स्थिति स्पष्ट था डॉक्टर के सामने, उसको खून की उल्टी हुई ये लोग बता रहे हैं, और उसकी स्थिति बहुत ख़राब थी। उन्हें ये भी दिख रहा था कि एम्बुलेंस नहीं मिल पा रहा है, उन्हें ये भी पता चल रहा था, सामने हो रहा था कि ये किसी प्राइवेट गाड़ी का इंतज़ाम नहीं कर पाए हैं, फिर भी ये सब कुछ आंखों के आगे होते रहने दिया गया। और सुविधाओं के अभाव में, सरकारी सहायता के अभाव में, और वो सहायता कोई वो नहीं, उपकार करके नहीं दिया जाना था, अधिकार था कि एम्बुलेंस होता और वो पहुंचाता बड़े अस्पताल, सहरसा के अस्पताल में, और उसे मिलता इलाज तो शायद वो बच जाता, लेकिन ये सब कुछ होता रहा अस्पताल प्रशासन की आंखों के आगे। और फिर ये लौट के आ रहे हैं उस पेशेंट को साथ लेके, और वो इतनी गंभीर स्थिति में है, तो किस लिए लाने दिया गया था? क्या ये अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि घर जाकर उसकी स्थिति और बिगड़ सकती है, जान जाने की नौबत आ सकती है? वो दूसरे दिन चला गया। ये टाइमिंग जो है ये 11 बजे सुबह की है, 11:10 की ये पर्ची है। इसके 24 घंटे और 8-7 घंटे 48 मतलब 52-54 घंटे बाद उसकी डेथ हो गई अपने ही घर में। हम आज भी अखबार पढ़ रहे थे लोकल, और कई लोगों से बात करते हैं तो पता चलता है कि नहीं मिल पाता साधन, समझ में आता है जब आस पड़ोस के लोग नहीं आते, क्योंकि हर किसी को डर है, और सही है इन्फेक्शन क्यों फैले किसी भी वजह से, लेकिन प्रशासन की ओर से चीज़ें मुहैया कराई जानी चाहिए। लोग खुद ही JCB का इंतज़ाम करके गड्ढा खुदवाते हैं और उसमें किसी तरीके से अंतिम संस्कार करते हैं। पता नहीं कहाँ की घटना है, शायद सहरसा की ही घटना है, DM ने संज्ञान लिया, DM ने ये कहा कि ये बड़ा तस्वीर आई थी एक अखबार में कि JCB है, उसके आगे वो मिट्टी हटाने वाला हिस्सा होता है ना, उसी में लाश लपेट के रखी हुई है और वो गड्ढे में दफनाई जा रही है। तो ये मामला जब सामने आया तो DM ने कहा कि हाँ, हम देखेंगे कि किसकी लापरवाही रही, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये मानवीय गरिमा के मुताबिक नहीं है। लेकिन क्या ये मानवीय गरिमा के मुताबिक है, और ये क्या सरकारी और प्रशासनिक गरिमा के मुताबिक है कि एक बेहद बीमार मरीज़ जिसकी जान जा सकती है, ये अंदेशा साफ स्पष्ट था, उसे वापस भेज दिया जाता है उसके घर बीमार स्थिति में ही, क्योंकि एम्बुलेंस नहीं है और क्योंकि वो गाड़ी का इंतज़ाम अपने बूते पर नहीं कर पाए, ये कौन सी गरिमा के मुताबिक है? शुक्रिया हमें देखने के लिए। मेरा नाम स्वाति, कैमरे के पीछे मेरे साथ मैं अमितेश, धन्यवाद।